मिनट के अंदर। हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब? सॉरी फॉर इंटरप्शन। हेलो चैंपियंस, यू आर वेलकमिंग ऑन मनीष सर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। मेरी आवाज आप बिल्कुल क्लियर सुन पा रहे हैं? अनुज कौशल जी, वेरी गुड इवनिंग बेटा। द क्लास हैज बीन स्टार्टेड। जी मनीष गुर्जर, उदय, स्वाति, अनुज, निमिषी, शिवानी तोमर, सभी लोगों को मेरा गुड इवनिंग, प्यार भरा नमस्कार सभी लोगों को। सॉरी फॉर द लेट क्लास। हाँ भाई, नमस्कार सभी लोगों को। सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ते जाएं। मेरी आवाज आप तक क्लियर आ रही है? जस्ट कंफर्म मी बाय द वे ऑफ द मैसेज। मनीष सर क्लासेस एप्लीकेशन पे आप सभी का स्वागत है। You are welcoming on the Manish sir's classes. Hello. नहीं यहाँ पर अभी चालू किया, जस्ट एक सेकेंड हुआ है। जी हेलो जी बेटा, जल्दी बोलिए। आप अभी YouTube पे ले लीजिए क्लास, बाकी एप्लीकेशन के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। YouTube पे आ जाइए, YouTube पे। हाँ जी, मेरे ख्याल से सभी लोग आ चुके हैं। आई थिंक आई शुड स्टार्ट द क्लास। जी राजेश, वेरी गुड इवनिंग बेटा। मनीष सर क्लासेस ऐप पे जितने भी लोग हैं सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी राजेश, वेरी गुड इवनिंग बेटा। जी राघव, श्री, सभी लोग। हेलो चैंपियंस, दिस इज मनीष सर एक बार फिर आप सभी के सामने। मनीष सर क्लासेस एप्लीकेशन पर एज वेल एज ऑन मनीष सर यूट्यूब चैनल पर जल्दी से सभी लोग कनेक्ट होते जाएं। आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। गुड इवनिंग जिन लोगों के कमेंट मैं नहीं देख पाया हूं या जिन लोगों के कमेंट देख चुका हूं सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग। चलिए, शुड आई स्टार्ट द क्लास? टुडे आई एम गोना स्टार्ट on very special batch on the demand of the students. So many students have asked me, sir, can you just start the speaking batch? And I was just deferring them and I was just procrastinating them. we will start. And finally today, the day has come, I have started the class of speaking batch. आज हम लोग एक स्पेशल क्लास शुरू करने आए हैं। शाम 7:30 बजे जितने भी लोग अभी सामने मुझे देख रहे हैं, शाम 7:30 बजे अब रेगुलर क्लास रहा करेगी
ऑन मनीष सर क्लासेस एप्लीकेशन पर एक स्पीकिंग क्लासेस, जिसमें कि देखिए सीधी बात, अगर लाइफ में जमाने से कम्पीट करना है, एक स्टैंडर्ड सेट करना है, अपना एक लेवल बनाना है, तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की। किसकी आती है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा बेनिफिशियल, सबसे ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए कौन होता है? जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर मैं आपसे सोचता हूं कि आपकी अगर पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी है तो आपको सबसे ज्यादा हेल्प कौन कर सकता है? जस्ट थिंक अबाउट इट। आप सब सोच रहे होंगे सर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एक पर्सन आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड टीचर। वो होते हैं आपके टीचर। और यहाँ पर जो टीचर होते हैं, उन टीचर्स में से अगर लैंग्वेज टीचर की बात करें, किसकी बात करें? लैंग्वेज टीचर, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी वगैरह। तो यहाँ पर वो लोग, मतलब जैसे हम लोग जो लैंग्वेज टीचर हैं, हर एक टीचर अपने आप में वैल्यूएबल है, भले वो मैथ्स का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीएस, इंग्लिश, मैथ्स, हर एक सब्जेक्ट का टीचर बहुत वैल्यूएबल और बहुत शानदार पर्सनैलिटी होते हैं। लेकिन मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ वो आप समझने की कोशिश कीजिए। एक लैंग्वेज टीचर आपका स्टैंडर्ड क्रिएट करता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, इंग्लिश की वैल्यू क्या है? Why we are learning English? हम लोग इंग्लिश सीख क्यों रहे हैं? जितने भी पर्सन यहाँ बैठे हैं या जितने भी लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं, Why we are learning English? हम लोग इंग्लिश सीख क्यों रहे हैं? Just think about it. Good evening, हाँ नितिन, गुड इवनिंग बेटा जी। हाँ, हम लोग इंग्लिश एक ही चीज के लिए सीख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड वाई, पैसा कमाने के लिए। पैसा तो हम कैसे भी कमा लेंगे? देखो सीधी बात मैं आपको बताऊं, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा हर इंसान कमाता है, ठीक है। एक सोसाइटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जॉब्स को डिफरेंशिएट कर दिया गया है, और वही जॉब्स डिफरेंशिएट होने के बाद आज ये हो गया, इन द सेंस कैसे, आपने देखा होगा पैसा तो हर व्यक्ति कमाता है, एक नॉर्मल से पर्सन से, इन द सेंस क्या, एक लेबर से लेके अंबानी तक, एक मजदूर से लेके अंबानी तक पैसा कमाते हैं, ठीक है। बट डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसे एक चाय वाले भी कमाते हैं, डजंट मैटर। I respect everyone कि हाँ वो मेहनत से कमाते हैं, सब कुछ है, बट ये सोसाइटी ने डिसाइड कर लिया है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफरेंशिएशन क्रिएट कर दिया। चाय वाला कितना भी पैसे वाला बन जाए, लेकिन भले वो प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए, लेकिन कहेंगे उसको क्या? चाय वाला। Why? Because society gives the respect on the basis of education. पैसे से कुछ नहीं होता, पैसे से सब कुछ नहीं होता। मैंने आपसे क्या कहा? पैसे से, इन द सेंस तुम फॉर्च्यूनर से उतर रहे हो, अरमानी का सूट पहने हो, हाथ में रोलेक्स है, दूसरे हाथ में आईफोन 11 है, लेकिन जैसी तुमने बोला मुझसे काय रे, क्यों रे, ऐसे शब्द बोल दिए, तब क्या होगा? फिर क्या होगा? तब क्या बेइज्जती हो जाएगी। तो पैसे से स्टैंडर्ड सेट नहीं होता, स्टैंडर्ड सेट होता है आपकी एजुकेशन से, और उसी एजुकेशन में सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट जिसको कह सकते हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? इंग्लिश। वो चार चांद लगाने वाली बात होती है, वो होती है इंग्लिश में। और अगर इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, चैंपियन आज की क्लास, टुडेज क्लास, आज की जो स्पीकिंग क्लास है, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन जस्ट, मैंने आपसे कहा पहली क्लास में मैं कभी पढ़ाता नहीं, कई खुश हो गए, ओ माय गॉड, बातें होंगी, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ पहली क्लास में मैं पढ़ाता नहीं हूँ, आपको रियलाइजेशन कराता हूँ कि हाँ कहाँ तक हम लोग अभी तक थे, ठीक है। एक छोटी सी दुकान पर आप जाओ, किसी भी दुकान पर अगर आप शॉपिंग करने जाते हो, मॉल वगैरह आप जब भी जाते हो, अगर आप हिंदी में इंटरेक्ट करते हो तो हो सकता है, अगर बिजी है शॉपकीपर, अगर बिजी है तो आपको उतना ज्यादा वैल्यू नहीं देता, लेकिन जाके इंग्लिश के चार शब्द बोलो, एक्सक्यूज मी, व्हाट टाइप ऑफ स्टफ इज इट, कैन यू जस्ट शो मी दैट। बस चार शब्द आपने बोले नहीं, चार शब्दों के बाद आपसे अपने आप से पोलाइटनेस आती है, फिर अपने आप से वैल्यू बनती है। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंग्लिश। आप किसी को फोन कर रहे हो, फोन करके आप डायरेक्ट यू नहीं बोलो हेलो, आप ये बोल रहे हो नहीं, हेलो आई एम टॉकिंग टू मिस्टर राहुल, या बस ये चार शब्द सुनते जो राहुल होगा, भले ही उस समय कितने भी गुस्से में बैठा होगा, लेकिन राहुल अपने आप से पोलाइट हो जाएगा, अपने आप से बहुत बिल्कुल आपके लिए बहुत फीजिबल हो जाएगा। That is the reason कि English की जरूरत आज के समय पर ये है, ठीक है। हाँ, मनीष सर के चैंपियन या साक्षी जी, ओके जी, चलिए। तो बस I just want to tell you कि बस यही चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था। आज की क्लास में हम डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं, बहुत सारी स्पेशल चीजें, जो चीजें आपने इंग्लिश में कभी नहीं सुनी। यूफेमिज्म सुने? यूफेमिज्म, कंट्रैक्शंस सुने? कंट्रैक्शंस, नो, ठीक है। परफेक्ट प्रोनंसिएशन में क्या चीज कैसी यूज की जाए, वो सब
बहुत सारी चीजें आज बहुत स्पेशल होने वाला है। आज तक आप बेइज्जती करवाते आए हो, आज आप इतना सब कुछ हो जाओगे कि हाँ आप बेइज्जती कर पाओगे, समझ रहे हैं? दिस इज द रीजन। बेइज्जती कर पाने का मतलब क्या हुआ सर? बेइज्जती कर पाने का मतलब ये हुआ कि आज के बाद आपकी इंग्लिश इतने लेवल पे होगी कि आप आराम से इंग्लिश में इंटरेक्ट कर पाओगे, सब कुछ हो पाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे जरा एक चीज पूछ लेता हूँ, छोटे छोटे से कुछ दो चार चीजें मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों से। चलिए मैं आपकी जस्ट आई जस्ट वॉन्ट टू चेक योर इंग्लिश, मैं आपकी इंग्लिश को चेक करना चाहता हूँ, आप मेरे को बस कमेंट करके जवाब देना। अच्छा, एक डायलॉग तो सुना होगा, मूछे हो तो नथुलाल जैसी। क्या कहा? मूछे हो तो नथुलाल जैसी। जस्ट चेक इट आउट, मूछे लिखा हुआ है मैंने, क्या लिखा हुआ? मूछे या मूछ जिसको कहा जाता है, ठीक है? जस्ट चेक इट आउट, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिख के बता दीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसको क्या पढ़ेंगे। जस्ट कमेंट, डायलॉग तो हम सब ने सुना है, मूछे हो तो नथुलाल जैसी, लेकिन इसको इंग्लिश में क्या पढ़ा जाता है? वेरी गुड, सभी ने सही आंसर दिया है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है M-O-U-S-T-A-C-H-E, बट इट डजंट मैटर कि आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन मैटर कहाँ आता है? इसका सही प्रोनाउंसिएशन। आज तक जब भी आपने इस चीज को पढ़ा है तो हमेशा हमेशा पढ़ा है मस्टैच। क्या पढ़ा है हम लोगों ने? मस्टैच। सभी लोग क्या पढ़ा है? मस्टैच। इट्स नॉट मस्टैच। और सोचो क्या पढ़ सकते हो उसको? इसको इंग्लिश में जो मूछे होती है, मूछे हो तो नथुलाल जैसी, है ना, उसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? सभी लोग ध्यान से पढ़े, आराम से पढ़े। आज की क्लास में मैं बस जस्ट आई जस्ट वांट टू चेक यू कि आप अभी तक क्या है, ठीक है? तब मैं आपको बताता हूँ, इसको मस्टैच नहीं पढ़ते, इट्स मुस्टाश। क्या पढ़ा जाता है? मुस्टाश। एक और बार सभी लोग सुने, ध्यान से सुनना आज की क्लास जो मैं बोलता जा रहा हूँ, इट्स नॉट मस्टैच, इट्स मुस्टाश। क्या बोला जाता है? मुस्टाश। मुस्टाश मीन्स क्या हो गया? हमारी मूंछों को कहा जाता है। किसको कहते हैं? मूंछों को। मूंछों को इंग्लिश में बोलेंगे मुस्टाश, ठीक है? बहुत सारे प्रोनंसिएशन है। आज तक आप लोग है ना, प्याज को इंग्लिश में क्या बोलते आ रहे हो? प्याज को इंग्लिश में बोलते आ रहे हो ऑनियन। कौन बोलते आ रहे हो? ऑनियन बोलते आ रहे हो। आज हम ऐसे बहुत सारे प्रोनंसिएशन में लेकर आए हैं, और क्या क्या हमारे सिलेबस में रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ये सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। आज तक आप इसको ऑनियन पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं? ऑनियन। इट्स नॉट ऑनियन, इट्स अनियन। क्या पढ़ा जाता है इसको? अनियन। आज के बाद इसको क्या पढ़ा जाएगा? अनियन। इंग्लिश में ओ का साउंड खत्म, ओ की जगह अब आजकल किसका साउंड दिया जाता है? आ का साउंड दिया जाता है। इट्स नॉट ऑनियन, इट्स अनियन। क्या पढ़ा जाता है? अनियन। हाँ, तो दिस इज नॉट ऑनियन, दिस इज अनियन। इसको इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? अनियन पढ़ते हैं। ये बहुत सारे मैटर करता है, ये प्रोनंसिएशन मैटर करते हैं। अगर मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने आ रहा हूँ, मैं इंग्लिश शब्द को इंग्लिश बोलूँ, इंग्लिश आज शाम को चलेंगे, ठीक है? ये सारी चीजें जो है ना, ये हमारा एक एमपीआई फैक्टर है इंग्लिश में। हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जब इसको सिखाते हैं। मैं आपका अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। दिस इज मनीष सर इन फ्रंट ऑफ यू या बिफोर यू। आई यूज्ड टू बी एन इंटरनेशनल लैंग्वेज ट्रेनर। इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश थोड़ी बहुत अगर जिससे देखा जाए तो ऐसी ऐसी लैंग्वेजेस की मैं ट्रेनिंग देता था, ठीक है? फॉर द कंट्रीज ऑफ कनाडा, यूएस, यूके, अलग अलग देशों में कहाँ कैसे क्या बोला जाता है, उस चीज़ की ट्रेनिंग देता था। तो वहाँ से आप उसका एक परफेक्ट प्रोनंसिएशन जितना मैंने अभी तक सीखा वो आपको मैं देना चाहूँगा। एंड आई यूज टू बी द एंड आई वॉज ऑल्सो द इंटरनेशनल लैंग्वेज ट्रेनर एज वेल एज आई वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन वोकैब। तो मैं चाहूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा दे सकूँ, ठीक है जी? हाँ, तो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा आज। मैं हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं फ्रेंच से रिलेटेड, बहुत सारी। पार्टी में जाते हैं, पार्टी में किसी चीज़ को ऑर्डर करना हो, ऑर्डर करने के लिए हमको ये ऑर्डर करना है, क्या ऑर्डर करोगे इसको? एक नाम सुना होगा वर्जिन। कई लोग इसको पढ़ते हैं वर्जिन मोजिटो। इट्स नॉट वर्जिन मोजिटो, इट्स वर्जिन मोहितो। इसका पढ़ने का प्रोनंसिएशन इट्स नॉट मोजिटो, इट्स मोहितो। क्या पढ़ा जाता है? मोहितो। इट्स लाइक अ सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है? हाँ, तो वही चीज मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। क्या? इट्स नॉट मोजिटो, इट्स मोहितो। क्या पढ़ा जाएगा? मोहितो। प्रोनंसिएशन मैटर्स अ लॉट। प्रोनंसिएशन बहुत जरूरी है, और सही लेवल में इंग्लिश बोलना, सही गाइडेंस के अंदर में इंग्लिश बोलना, दिस इज द लेवल, ठीक है? यही चीज हम लोग सीखने यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है? इंग्लिश सब बोलते हैं इंग्लिश। एक फिफ्थ क्लास के बच्चे से भी पूछ लोगे ना, इंग्लिश वो भी बोलता है।
ठीक है, लेकिन उसकी इंग्लिश में और आपकी इंग्लिश में अंतर क्या होना चाहिए, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आप सभी से बोला, जितने भी लोग अभी ऑनलाइन बैठे हैं, मैंने आप सभी से क्वेश्चन पूछा, हाउ आर यू, आप सब कैसे हैं, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हाउ आर यू, जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप सबका आंसर क्या होगा। हाँ भाई, जितने भी लोग ऑनलाइन बैठे हैं, मैंने आप सब से पूछा, हाँ भाई आप सब कैसे हैं, जल्दी से जल्दी कमेंट करते जाएं। जी हरिशंकर ने कहा आई एम फाइन, दीपेंद्र रावत आई एम फाइन, एकता भदौरिया आई एम फाइन, बेटा सब लोग जल्दी जल्दी कर दो, संयोगिता आई एम गुड फाइन, वर्जित मोहितो ओके फाइन, I'm doing well. I'm fine. I'm fine. I'm fine. Prithviraj, I'm fine. Meenu Sahu, I'm fine. सभी लोग कमेंट करते जाओ. We are good. Okay. Nitin, I'm fine. जी श्रीमान. Okay. I as well. I am well. यार गलत लिखा आपने MPI कोड. So, बस मैं आपको यही चीज दिखाना चाह रहा था, I just wanted to show you that. आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा। एक छोटे से बच्चे से अगर मैं आपसे LKG UKG के बच्चे से पूछा जाता है, बेटा हाउ आर यू, उसे पूछा जाता है हाउ आर यू, तो उसका आंसर होता है आई एम फाइन। क्या आंसर होता है? आई एम फाइन। वही LKG का स्टूडेंट है, वो भी क्या बोल रहा है? आई एम फाइन। और आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, क्या है? कॉलेज स्टूडेंट। कुछ का पास आउट भी हो चुका है, कुछ तो बिल्कुल कॉलेज पास आउट करके बिल्कुल, अब तो समझ रहे हो ना, तीर्थ करने के दिन आ गए हैं, कुछ के तो ऐसा हो गया कंपटीशन की तैयारी करते करते, ठीक है, तीर्थ के दिन आ गए, लेकिन फिर भी इंग्लिश सही नहीं बोल रहे, क्या गलत बात है यार। इधर देखो, आई एम फाइन बच्चे बोलते हैं यार, दिस इज द वे ऑफ किड्स, बच्चे बोलते हैं आई एम फाइन। आप बोलोगे क्या? LKG UKG के बच्चे बोलते हैं, और इस जितने भी पर्सन्स ने कमेंट किए सब ने 95% कमेंट जो आए वो आई एम फाइन आए। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शो यू कि ग्वालियर का लेवल ये है, ग्वालियर में हमेशा ये क्या किया जाता है, वही लेवल से वो घिसा पिटा, वो घिसी पिटी इंग्लिश जो चली आ रही है वही चलाते आ रहे हैं। कौन सी? राम गाता है, सीता खाती है, मोहन पतंग उड़ा रहा है, सीता छज्जे पे खड़ी है, ऐसे सेंटेंसेस तो हम सीखते आ रहे हैं यार। अब सोचो यार, कहाँ ऐसे में इंग्लिश कहाँ निकलेगी? जब तक राम गाना खाएगा कि सीता खाना खाएगी, तब तक इंग्लिश कैसे आ जाएगी? तो थोड़ा सा आओ, स्टैंडर्ड बनते हैं, इधर आओ। आज के बाद कोई भी आई एम फाइन बच्चों जैसा यूज कोई नहीं करेगा, हटाओ इसको, ठीक है। इसकी जगह अगर अच्छा यूज करना है, यू कैन यूज प्रीटी गुड, यू मे यूज आई एम प्रीटी गुड, I am pretty. It's not pretty, it's pretty. साथ में साथ प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखेंगे, I am pretty good. क्या कहा जा सकता है? Pretty good. या फिर इसी को हम बोल सकते हैं pretty well. क्या बोलेंगे? Pretty well. सभी लोग बोले क्या बोलेंगे? I am pretty well. मेरे साथ देखो, इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास में साथ के साथ प्रैक्टिस करना जरूरी है, मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाना। आई एम फाइन की जगह आज के बाद बोलेंगे आई एम प्रीटी वेल, सभी लोग बोले क्या बोलेंगे? आई एम प्रीटी वेल। मैं हर एक पर्सन के कमेंट पढ़ता जा रहा हूँ, जस्ट कमेंट ऑन, कीप ऑन कमेंटिंग। हाँ सभी लोग, हाँ तो आज के बाद आई एम प्रीटी वेल। सर थोड़ा सा और अच्छा हो जाए, चलो मैंने कहा मैं ठीक ठाक हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई एम प्रीटी वेल। क्या बोला जाएगा? आई एम प्रीटी वेल। मैंने कहा मैं बढ़िया हूँ, चकाचक, जिसको कहा जाता है ग्वालियर की लैंग्वेज में एक वर्ड है चकाचक, चकाचक को इंग्लिश में होते हैं मार्वलस। क्या बोला जाता है? मार्वलस। सभी लोग बोले क्या बोलेंगे? मार्वलस। कल को आप लोग से कोई बोलता है कि मैं बिल्कुल चकाचक हूं, तो चकाचक को इंग्लिश में बोलेंगे आई एम मार्वलस। सभी लोग बोले क्या बोलेंगे? मार्वलस। अब इसमें एक चीज आई कि सर इसमें आर लगा है तो मार्वलस क्यों नहीं हुआ, इसको मार्वलस क्यों पढ़ा गया, वो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैंने आपसे क्या कहा? इंग्लिश बोलना बड़ी बात नहीं है, स्टैंडर्ड के साथ बोलना बड़ी बात है, मनीष सर के लेवल से बोलना बहुत बड़ी बात होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं इट्स नॉट मार्वलस, हम जो बोलते आ रहे हैं मार्वलस वो गलत है, इट्स मार्वलस। क्या बोला जाएगा? मार्वलस। जब सामने वाले को बोलो तो थोड़ा उसको लगे उसको फूलों की बरसात होनी चाहिए, आई एम मार्वलस, ठीक है, सामने वाला थोड़ा सा इंटरेक्ट हो, मजा आए, है ना। और तुम बोलते हो मार्वलस है, तो थोड़ा सा प्रोनंसिएशन का मैटर करता है, ठीक है। तो इट्स नॉट मार्वलस, इट्स मार्वलस, आई एम मार्वलस। मार्वलस मींस चकाचक, बिल्कुल ग्वालियर वाली लैंग्वेज, बिल्कुल चकाचक, आई एम मार्वलस। क्या बोला जाएगा? आई एम मार्वलस, ठीक है। सर र का साउंड इंग्लिश में र की जगह आ का साउंड दिया जाता है, जब जब रा आएगा ना वहां पे हमेशा हमेशा किसका साउंड दिया जाता है? आ का साउंड।
अगर मैं आपके सामने एक वर्ड लिखता हूँ फादर, कौन सा वर्ड लिखता हूँ फादर, तो आप इसको फादर नहीं पढ़ेंगे, फादर नहीं, इट्स फादर, क्या पढ़ा जाएगा फादर। अच्छा एक कॉमन सा वर्ड आप लोगों ने हर बार सुना है, कौन सा सुना है, इसको क्या पढ़ते हो आप लोग, इसको क्या पढ़ते हो सभी लोग सोचो, हाँ कहीं तो ऐसे तो नहीं पढ़ते सर है, इट्स नॉट सर इट्स सो, क्या पढ़ा जाएगा सो। जहां जहां र का साउंड है, जैसे मैंने लिखा स, तो र की जगह जैसे यहां पर र आता था, अब वहां पे र कभी नहीं आएगा, वहां पे र नहीं आएगा, र की जगह क्या आएगा उसमें एक आ का साउंड आएगा, यानी हलंत जिसको कहा जाता है, उसमें हिंदी में इसको हलंत बोलते हैं, और आ का साउंड ये तरीके से। ये भी मत कर देना कि जैसे फादर लिखा है या टीचर लिखा है, क्या लिखा है टीचर, तो सर ने बोला है आ का साउंड आएगा, तो टीचर तो आपने लिख दिया र की जगह आ का साउंड, टीचा गुड मॉर्निंग टीचा, ये भी मत कर देना, इट्स नॉट टीचा, इसको आप टीचा नहीं पढ़ेंगे, इट्स नॉट टीचा, आप इसको क्या नहीं पढ़ेंगे टीचर नहीं पढ़ेंगे, इसमें क्या होगा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा हलत लगता है, इट्स टीचर, हल्का सा अ का साउंड आता है, इट्स नॉट च, है ना टीचर फादर सो, है ना बोलते ना कई बार, यस सो, ठीक है, तो जो सब वाला मेथड है वो है। चलिए आज आज हम लोगों ने थोड़ा सा एक छोटी सी चीज नई सीखी कि आज के बाद आई एम फाइन को गुड बाय कहेंगे, आज के बाद बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा, आई एम प्रीटी वेल, आई एम मार्वेलस, अगर किसी को बहुत अच्छा है, कोई पर्सन बहुत अच्छा है तो क्या बोलेंगे अगर वो बोलता है बिंदास, बिंदास को इंग्लिश में बोलते हैं औसम, क्या बोलते हैं औसम, औसम मतलब क्या हो गया बिंदास, मैं बहुत शानदार हूँ, शानदार को हम इंग्लिश में बोलते हैं आई एम स्प्लेंडिड, क्या बोलेंगे लेकिन दो चार बार सुनते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, मैं बोलूंगा आप रिपीट करेंगे, ताल से ताल मिलेगा, बढ़िया एक सरगम निकलेगी, चिंता ना करें, इट्स नॉट स्प्लेंडेड इट्स स्प्लेंडेड स्प्लेंडेड, हाँ समझ में आया सभी लोगों को, इट्स नॉट अविसम, इसको अविसम नहीं पढ़ा जाता, इट्स ऑसम, क्या पढ़ा जाएगा ऑसम, इट्स ऑसम, क्या पढ़ा जाता है ऑसम, हाँ स्प्लेंडेड, ठीक है। एक और वर्ड यूज किया जाता है बहुत शानदार, बहुत शानदार को हम इंग्लिश में बोलते हैं एस्टाउंडिंग, क्या बोलते हैं एस्टाउंडिंग, मैंने कहा आप कैसे हैं तो आप क्या बोलेंगे अनस्टाउंडिंग, क्या बोलेंगे अनस्टाउंडिंग, एस्टाउंडिंग का मतलब भी क्या होता है बहुत ज्यादा शानदार। तो आज के बाद ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं सामने वाले को लगे कि हाँ वजनदारी वाले पर्सन से बात हो रही है, फैंटाबुलस, क्या पढ़ेंगे फैंटाबुलस, इट्स नॉट फैंटाबुलस इट्स नॉट फैंटाबुलस इट्स फैंटाबुलस फैंटाबुलस फैंटाबुलस, आराम से सुनो फैंटाबुलस इट्स फैंटाबुलस, हाँ दिस इज द लेवल। मैं आपसे यही चीज बोलना चाह रहा हूँ, अब आप में से कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर आज हम इतना एडवांस कैसे पढ़े, हम लोगों से कई लोग ऐसे हैं जिनको लिखने की आदत है, आज तक कोई पहले एक फॉर्मूला कराओ, उसके चार सेंटेंसेस कराओ, फिर पूरा एक पैराग्राफ कराओ, फिर पैराग्राफ चेक कराओ, ठीक है। कई लोगों ने माइंड में मानसिकता वही बना रखी है कि इंग्लिश वही होती है कि इंग्लिश में सर सामने बैठे हो, एक एक सेंटेंस बनवा रहे हैं, एक एक सेंटेंस चेक करवा रहे हो, क्योंकि आप तो मन में ये लेके आते हैं, मोस्टली स्टूडेंट ये लेके आता है क्या कि सर मेरे को कुछ नहीं आता, मैं जीरो, बेटा जीरो मैथ्स में होता है, इंग्लिश में नहीं होता, इंग्लिश में जीरो जीरो नहीं होता, जीरो को आजकल ओ बोला जाता है, क्या बोला जाता है ओ, ध्यान रखना आप, कोई भी पर्सन अगर अपना नंबर बोलता है 7 8 2 8 0 तो इट्स नॉट जीरो इट्स 7 8 2 8 O, तो जीरो मैथ्स में होता है, इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में O पढ़ा जाता है। और दूसरा मैंने आपसे कहा, मैंने क्या कहा, आप दिमाग से ये तो निकाल ही दीजिए कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, यार बचपन से LKG से पढ़ रहा हूँ आप, इंग्लिश इंग्लिश आपको आती है, इंग्लिश आपको आती है, जस्ट ट्रस्ट इन योर सेल्फ, अपने आप पे विश्वास करो कि इंग्लिश मुझे आती है, लेकिन इंग्लिश में मेरा कोई मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है मैं बताऊं आपको, सब कुछ आता है, बस क्या होता है जहां पे इज लगना होता है वहां आर लग जाता है, जहां एस या ईएस नहीं लगनी वहां एस एस लग जाता है, और जहां लगनी है वहां छूट जाता है, जहां आर्टिकल नहीं लगना मैं वो आर्टिकल यूज कर देता हूं, जहां जो चीज नहीं होनी चाहिए वही कर देता हूं, बस यही गलती मैं बार बार करता हूं, एक ही गलती हजार बार करता हूं, ठीक है, वही जो गलती आज तक बचपन से करते आ रहा हूं, वो चीज आज तक आपको फोकस करवाने वाला नहीं था, परफेक्ट गाइडेंस वाला पर्सन नहीं था, हम लोग अपने अपने तरीके से करते आ रहे थे, और आज तक हम लोगों ने केवल और केवल फोकस किया था केवल राइटिंग राइटिंग राइटिंग, इसीलिए जिस चीज पे राइट मतलब कहते ना जिस चीज से डरोगे वो उतना ज्यादा परेशान करेगी, राइटिंग के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो यार,
जैसे ही कॉन्फिडेंस आ गया ना, सब चीजें अपने आप होने लगी। ठीक है, दूसरी चीज, अब जो आप सोच रहे हैं कि सर हम बिल्कुल बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो क्या करें हम लोग, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आज की क्लास में मैं कुछ पढ़ाने नहीं आया हूँ आप लोगों को, आज मैं बस इंट्रोडक्टरी क्लास लेने आया हूँ, जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन, कि आप लोगों से बस केवल और केवल बातचीत करते हैं। अब जो क्लास होगी कल, जो आप चाह रहे हैं कि फॉर्मूला हो, फॉर्मूले के साथ में कुछ अच्छी अच्छी चीजें, इन द सेंस कैसे कुछ सेंटेंसेज हो, कुछ स्टोरीज बेस्ड हो, वो सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि मैं सिलेबस पे क्या कराऊंगा, कैसे कराऊंगा। तो हम लोगों ने एक चीज क्लियर सुन ली है, सीख ली है, इनको बाद में आप रिवाइंड कर लेना इस वीडियो को दोबारा से और देख लेना क्या क्या मैंने बोला है, कैसे कैसे आज के बाद वही वर्ड्स यूज करेंगे हम लोग। आज के बाद दोस्त भी अगर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा हाउ इज यू, तो आप आंसर आई एम फाइन में नहीं देंगे, आंसर देंगे आई एम फैबुलस। क्या बोलेंगे? आई एम फैबुलस। ओके जी, हेलो सर हाउ इज यू, या I am astounding. Okay, Deepak. So I just want to convey you कि this is the real English. हम लोग English यही है कि हम लोग जो बच्चों वाली English थी ना, उससे पहले तो बाहर आना है और आना है थोड़े standard पे आना है। और जो लोग आज तक ये सोच रहे हैं कि सर मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, मैंने, आपको सब कुछ आता है, just trust yourself, अपने आप पर विश्वास कीजिए, आपको सब कुछ आता है, बस हमें हल्का सा गाइड करना है, जहां जहां आपकी गलतियां होती हैं उनको सुधारना है। ठीक है, और सिलेबस क्या रहेगा, कैसे क्या होगा, वो सारी चीजें जस्ट आई जस्ट वांट टू टेल यू। हाँ, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, कैसे कैसे करने वाले हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। सर व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहेगा, कैसे क्या रहेगा? एक पहली क्लास में थोड़ा सा माइंड में रहता है सब लोगों के, सर क्या क्या रहेगा, कैसे कैसे रहेगा। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहूंगा, दिस इज द सिलेबस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का सिलेबस है, बहुत छोटा सा सिलेबस होगा। मॉरल्स, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मॉरल्स, देखो कैन कुड बी माइट, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही सब कुछ रहेगा, कुछ अलग नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, आज तक जो आपने कैन केवल एक तरीके से पढ़ा, आज तक आपने जो कैन पढ़ा था कितने तरीके से, एक फॉर्मूला किया था, कैन के टोटल 6 से 8 फॉर्मूले होते हैं, कैन के कितने फॉर्मूले होते हैं, 6 से 8 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, हाँ, कैन, फिर इसका पास्ट हो जाएगा कुड, मे, माइट, विल, शैल, ये सब इस तरीके टोटल हमारे 14 प्लस मॉडल्स होते हैं, कितने होते हैं, 14 प्लस मॉडल्स होते हैं, ये सब चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम आगे जाके स्पीकिंग क्लास में, टुडे आई एम रिमेंबरिंग दोस मोमेंट्स हु वर स्पेंट विद यू सर। ओके, आपको वही इंटरेक्टिव क्लास की फीलिंग आ रही होगी जो क्लास अभी तक आप अटेंड करते हो दीपक। ओके, चलो, सो आई जस्ट, मैं आपको केवल और केवल 5 मिनट तक, हो सकता है आपको थोड़ा सा मतलब मजा नहीं आए क्योंकि अभी केवल सिलेबस डिस्कशन है। सिलेबस में जानना जरूरी है कि सर 2.5 महीने में ऐसा आप क्या करा दोगे, कि आप तो, मैं कह रहा हूँ 1 महीना रजिस्टर नोट डाल लेना, 28 तारीख है आज, 28 नेक्स्ट 28 28th of October जब आएगा ना, उससे पहले हिंदी बंद करा दूंगा, ये मेरा ओपन चैलेंज, ओपन गारंटी होगी। हिंदी बंद मतलब बंद, वो सब जब एक्चुअल क्लास में कल लूंगा ना, जब अपनी एप्लीकेशन पे, तब आपको पता पड़ेगा कि हाँ। ठीक है, जो लोग भी क्लासेस लेना चाहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग की, मनीष सर क्लासेस एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, और उस एप्लीकेशन में डाउनलोड करने के बाद आप आराम से 5 डेज डेमो ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उसका कोई कॉस्ट नहीं होगा, लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर दूं। टेंस हम लोग जानते हैं 14 होते हैं, सॉरी प्लस नहीं 14 होते हैं, इन्हीं के पैसिव वॉइस हो जाएंगे 14 प्लस 14 क्यों, 14 मॉडल्स क्यों होंगे, 14 उसके होंगे, एडवांस फॉर्मूलेज कौन से होते हैं, ऐसे ऐसे फॉर्मूलेज जो आज तक हम लोग, जैसे क्या होता है, आज तक जरूरी नहीं है कि हम लोग वो टेंस के हिसाब से चलते रहे, जो आज तक हम लोग टेंस के हिसाब से पढ़ते आ रहे हैं, जरूरी नहीं वही सब चीज आएंगे। टेंस के अलावा हम लोगों को एडवांस फॉर्मूलेज की जरूरत होगी। सर एडवांस फॉर्मूलेज कौन से होते हैं, जैसे मैंने कहा मैं पेट्रोल भरवाता हूँ, इसको बना के देखो किसी टेंस में नहीं बन सकता, इसको बना के देखो किसी मॉडल में बन जाए तो नहीं बन सकता, दिस इज कॉल्ड एडवांस फॉर्मूले। इसके लिए अगर आएगा तो बनेगा आई गेट पेट्रोल फिल्ड, क्या बनेगा, आई गेट पेट्रोल फिल्ड। तो यहाँ पे एडवांस फॉर्मूलेज चलते हैं बहुत सारे, वही चीज हम लोग यूज करने आ रहे हैं, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार हम लोग। हम लोग देखते सेलिब्रिटीज जितने भी हैं, जितने भी अच्छे अच्छे शोज में जो भी एंकर्स वगैरह होते हैं, होस्टिंग करते हैं,
वो लोग यार इंग्लिश कितनी शानदार बोलते हैं, कई स्टूडेंट्स आके बोलते हैं कि सर वो लोग कहाँ से सीखते हैं, वो लोग कहीं से, मतलब कहते हैं ना वो लोग कहाँ से सीखते हैं, इन द सेंस वो लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो सारी चीजें जो है ना वो एडवांस फॉर्मुलेस पे डिपेंड होती है। वो सारे के सारे एडवांस फॉर्मुलेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ, दर्शन कराने वाला हूँ जस्ट 5 मिनट के बाद। अभी जस्ट 5 मिनट के बाद एक बार सिलेबस डिस्कस होने के बाद बहुत सारी एडवांस चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। हमारी क्लास में अभी स्लाइड्स होगी आगे जाके, सर स्लाइड्स क्या होता है, वन बाय वन बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी चीजें बोलने की रहती है, वो सारी चलेगी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट मैंने आपसे कहा प्रेजेंटेशंस, हाँ प्रेजेंटेशंस बनाना। कहीं भी जाएंगे आप, भले कॉलेज इंटरव्यू, आपने कॉलेज में एडमिशन लिया 12th के बाद तो आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, कॉलेज रनिंग में है, कैंपस आ गया तो प्रेजेंटेशन बनाना है, जॉब लग गई तो आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, हर एक जगह पर आपको प्रेजेंटेशन। इवन अगर जॉब नहीं लगी, आप टीचिंग की जॉब पर रखे किसी स्कूल में, यू विल हैव टू मेक द प्रेजेंटेशंस, आपको प्रेजेंटेशंस बनाने होंगे। और प्रेजेंटेशंस बनाने का तरीका क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी मनीष सर क्लासेस एप्लीकेशन पे। सर मॉक इंटरव्यूज, हाँ इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा आप लोगों के लिए, बहुत जरूरी होगा। पहले मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन कराऊंगा, आपका इंट्रोडक्शन बनवाऊंगा, प्लस इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन होते हैं, कैसे होते हैं, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, इंटरव्यूज के सारे क्वेश्चंस। सर दा भारत पर चलेंगी क्लासेस? नहीं नहीं, ये दा भारत पर नहीं है, ये मनीष सर क्लासेस, यानी कि ये मेरी पर्सनल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ेगी जी। नॉक नॉक, कोई बफरिंग नहीं हो रही है जी, है ना, चलिए। हाँ तो दा भारत है, हाँ अब आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यू सेशन जो है, इंटरव्यू सेशन में क्या होगा, इंटरव्यू सेशन में मैं आपको बहुत सारी एडवांस चीजें, देखो इंटरव्यू में एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको, इंटरव्यू में हम क्यों फेल होते हैं, एक छोटा सा इसका रीजन सोचने की कोशिश करो, इंटरव्यू में क्यों फेल क्यों होते हैं हम लोग, क्योंकि हम हमेशा नेगेटिव अप्रोच लेके जाते हैं। हम लोग हमेशा ये सोच के जाते हैं कि इंटरव्यूअर हमको डिसलेक्ट करने के लिए बैठा है, हमें बाहर निकालने के लिए बैठा है, हमें बाहर का रास्ता दिखाने के लिए बैठा हुआ है वो इंटरव्यूअर। यार इंटरव्यूअर हमें डिसलेक्ट करने के लिए नहीं बैठा, हमें सिलेक्ट करने के लिए बैठा है। अगर वो सबको डिसलेक्ट कर देगा तो उसको सिलेक्ट किसको करेगा, और सिलेक्ट नहीं करेगा तो उसकी जॉब कैसे रहेगी, ठीक है। तो वो हम लोगों को सिलेक्ट करने के लिए बैठा हुआ है चैंपियंस, ना कि डिसलेक्ट करने के लिए। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि इंटरव्यूअर जो है वो हमें सिलेक्शन के लिए बैठा है, और हम लोग इंटरव्यू में 90% फेल पर्संस फेल क्यों होते हैं, क्योंकि हम लोग एडवांस प्रिपरेशन नहीं करके जाते हैं, हम लोग उसी टाइम प्रिपेयर होके जाते हैं। दूसरी चीज, हम लोगों को उस लेवल से चीजें पता नहीं, इंटरव्यू के गिने चुने केवल 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं, उनसे बाहर कुछ भी नहीं है, मैक्स टू मैक्स 25 क्वेश्चन होते हैं, 10 से 15 जनरल क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और एडवांस अगर उसमें जोड़ दो 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इन 25 से एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाता, लेकिन फिर भी हम फेल होते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि हम लोग हमेशा रैंडमली, बिल्कुल कहते हैं लास्ट मोमेंट पर तैयारी करके जाते हैं, और जो चीज बचपन से आदत पढ़ने की होनी चाहिए ना, या जो चीज शुरुआत से काफी टाइम पहले से आदत होनी चाहिए, वो हम पहले से आदत नहीं करते, ठीक है, पहले से उस चीज को करके नहीं जाते हैं। तो अब हमें मालूम है इंटरव्यू में जाके स्ट्रेट बैठना है, लेकिन आप में से जितने भी लोग पढ़ रहे हैं कौन स्ट्रेट बैठा है बताओ, हम सबको मालूम है इंटरव्यू में जाके बैठना है तो स्ट्रेट बैठना है चेयर पे, बिल्कुल लगना चाहिए कि हाँ एक पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी इंप्रूव दिखाना है कि आपको पर्सनैलिटी है आपकी, यू विल हैव टू स्टैंड, यू विल हैव टू सिट स्ट्रेट। कोई बैठा है क्या, नहीं। कहने का मतलब वही है कि हम लोग बस रैंडमली बस थोड़े समय के, और हम लोग वो चीज करते हैं इंटरव्यू में, हम वो दिखा रहे हैं जो वो देखना चाहता है, हम वो नहीं दिखा रहे जो हम एक्चुअल में है। वो हाल पकड़ लेता है, अगर अच्छा इंटरव्यूअर होता है वो हाल पकड़ लेता है। थोड़ा सा अपने अंदर से बनावटीपन मत लाओ, जो है वो है, बस उसको थोड़ा सा मसाला ही तो लगाना है, वो मैं बैठा तो उठने का क्यों कर रहा हूँ। अगर आपके साथ क्या है कि आप जैसे भी हैं कोई इशू नहीं है, डजंट मैटर, आपको ऐसी बहुत लंबी चौड़ी फेंकने की जरूरत नहीं है कि मेरी हॉबी बुक रीडिंग है, मैं बहुत ज्यादा शानदार तरीके से इंग्लिश पढ़ता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, उसने 5 बुक्स के नाम पूछ लिए। कई लोग होते हैं फेंकोलॉजी वाले होते हैं, कई लोग फेंकते हैं लंबी लंबी चौड़ी की, है ना, सर आई एम इन द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। अच्छा आप बुक्स पढ़ते हो, वो कहते हैं हाँ जी सर मैं बिल्कुल बुक्स पढ़ता हूँ। बेटा 10 किताबों के नाम गिना दो, 10 क्या आप 3 के नहीं गिना पाते, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, फैक्ट है बिल्कुल। मैं आप सबसे पूछता, आप खुद सोचो, नहीं गिना सकते। अच्छा मैं आप सबसे पूछता, आप लोग कॉलेज पास आउट हो, कोई फर्स्ट ईयर से निकल के सेकंड ईयर में आया, कोई सेकंड ईयर से निकल के थर्ड ईयर में आया, कोई थर्ड ईयर से फाइनल होके बाहर आ चुका है, ठीक है। मैं आपसे ये पूछता हूँ लास्ट सेमेस्टर के सिलेबस में कौन कौन सी किताबें थी, उनके बस नाम बता दो,
नाम पूछ रहा हूं मैं, सब्जेक्ट नहीं पूछ रहा, स्टैटिक्स मैथ्स ये सब सब्जेक्ट है, उन किताबों के प्रॉपर नाम क्या थे? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू, ये इंटरव्यू है, समझ रहे हो? कभी कभी तो और खतरनाक पूछते हैं तो इनके राइटर्स भी पूछ लेते हैं, अब क्या करो? उस इंटरव्यूअर को कैसे घुमाना है, क्या करना है, वो सब मेरे ऊपर छोड़ो। क्या करवाना है, कैसे करवाना है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सीधा सीधा प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल है, आपको वो देखना चाहता है कि वो कैसा है, ठीक है? हाँ, I'm sitting on the chair, sir. Okay. तो बस वही चीज है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग गलतियां क्यों कर रहे हैं, कि हम बनावटी बनने की कोशिश कर रहे हैं। यार जैसे है वैसे सही है, बनने की जरूरत नहीं है, दुनिया बदलेगी, अपने लिए चिंता क्यों कर रहे हो, आ जाओ। हाँ, तो मॉक इंटरव्यूज क्या होंगे? मॉक इंटरव्यूज में आपको डायरेक्ट रैंडम कॉल्स पे होंगे, वीडियो कॉलिंग भी होंगी, ठीक है? मॉक इंटरव्यूज जैसे होते हैं, मॉक कॉल्स होते हैं, दो तरीके से होते हैं मॉक कॉल्स। कंपनीज में मैं आपको बता दूं इंटरव्यूज किस किस तरीके से होते हैं। पहला होता है जनरल राउंड, ठीक है, PI जिसको कहते हैं, नॉर्मल इन द सेंस केवल इंट्रोडक्शन राउंड कहते हैं उसको। उसमें दो से तीन लोग, पांच लोग भी हो सकते हैं अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होते हैं। मैं आपको इंटरव्यू प्रोसीजर बता रहा हूँ, अगर कैंडिडेट ज्यादा होते हैं ना तो एक बार में वो दो से तीन लोगों को बुलाते हैं और जनरल इंट्रोडक्शन लेते हैं। तीन में से जिन जिनका अच्छा इंट्रोडक्शन गया, दो को आगे फॉरवर्ड, एक को आगे फॉरवर्ड, बाकी सब बाहर। अब सिलेक्टेड होते होते बाकी लोग रूम में बैठ गए। अब जैसे रूम में बैठ गए, अब रूम में जैसे आएंगे फिर उनके पास मॉक कॉल्स आते हैं, फिर वो फोन टेलीफोनिक राउंड होता है, इसको मॉक इंटरव्यूज कहते हैं, ठीक है? फिर टेलीफोनिक राउंड के बाद उनसे प्रोनाउंसिएशन के लिए भी मैटर करता है, तो एक पर्सनल से प्रोनाउंसिएशन का भी मैटर पूछता है। फिर फाइनली PI होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है डायरेक्ट पर्सन से, ठीक है? अगर आप एक स्टैंडर्ड कंपनी में इंटरव्यू देते हैं तो आपको इस तरीके से रहेगा, ठीक है? ऐसे तीन से चार राउंड से होकर गुजरना होगा। कई जगहों पर पहले डिस्क्रिप्टिव भी होता है कि आपसे लिखवाया भी जाता है कुछ कुछ चीजें, सबसे पहला राउंड वही होता है, ठीक है? सबका कंपनीज का अपना अपना अलग अलग रहता है। मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा कब? जनरल क्लासेस में। आज तो केवल मेरी इंट्रोडक्शन क्लास है, आज तो मैं केवल ये बताने आया हूँ हम लोग करने क्या वाले हैं, जो दुनिया में आज तक आपने नहीं किया, जो अभी तक कोई भी जितने भी टीचर से आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है या जो भी चीजें देखी हैं, उन सबसे बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है? और वो भी उस लेवल से करने वाले हैं। छोटा सा एग्जांपल से आप समझ ही होगा, आई एम फाइन, आई एम स्टाउंडिंग में जमीन आसमान का अंतर है, डिफरेंस ही है, ठीक है? समझ रहे हो? अच्छा, PD की क्लासेस होंगी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जिसकी जरूरत आप सबको मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा है ना भाई? कमेंट कर दीजिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस के लिए जरूरत है कि नहीं है आप लोगों को? क्योंकि लॉकडाउन में हम लोग इतने आलसी हो चुके हैं, इतने बोरिंग हो चुके हैं कि अब जरूरत है कि सर बस कोई आग लगा दे। बस वो आग लगाने वाली बात होनी चाहिए, होनी होती है ना, वो आग लगाने वाली बात बिल्कुल 100% हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है? चलो, यस सर, यस सर, यस सर, हाँ, वो आग लगनी जरूरी है, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में, लेकिन आग जरूर होनी चाहिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर आपको कुछ करना है तो वो एक कहते हैं ना जुनून, जज्बा जिसको कहा जाता है, वो होना जरूरी है। ओके चैंपियंस, यस। तो PD की क्लासेस इस सेशन में रहेंगी आपके, और ऐसी PD की क्लासेस, कई बार तो जब मैं क्लासेस लेता हूँ मेरी एक्चुअल क्लासेस में PD, तो गर्ल्स का थोड़ा सा नेचर होता है रोने का, इन द सेंस आंखें भर सी आती है उनकी। क्यों? क्योंकि उनको एहसास होता है, रियलाइजेशन होता है, कई बॉयज को, कई गर्ल्स को जो बहुत सीधे साधे से होते हैं, उनको रियलाइजेशन होता है, यार हम लोग कर क्या रहे हैं, हमने आज तक क्या किया है, नथिंग, वी आर नथिंग। हमें समझ में आता है कि हम कुछ भी नहीं है, बस केवल सब मोह माया है। समझ में आती है चीजें, है ना? कहीं तो मोह माया है ना, तो बहुत उलझे हुए हैं, कहीं मोह माया है, वो निकालना आपको जरूरी है, ठीक है? और कई केवल मोह माया छोटी वाली में नहीं, मतलब बहुत बहुत बड़े लेवल पे भी उलझे हुए हैं, एक नहीं बहुत सारी, ठीक है? तो कहने का मतलब है वो सारी चीजों में से मेरी गारंटी है, मैं कैसे निकालना है, क्या निकालना है, क्योंकि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर। एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है if the students getting diverted to a wrong direction, so the teacher should move forward to help him or her. So definitely meri zimmedari hai ki main aapko thoda sa kahin na kahin agar galat track par ho, doesn't matter, kyunki life ki ye stage aisi hoti hai, wo thoda sa hota hai, divert hota hai student, lekin hum sabko malum hai yaar hamara kaam yahi hai, hamara ek hi kaam hai, Virat Kohli cricket nahi khelega na, बाहर का रास्ता। क्रिस गेल कितना भी भयंकर प्लेयर क्यों ना बना रहे, इस IPL में क्रिस गेल को जगह नहीं मिली, इस IPL में क्रिस गेल को जगह नहीं मिली, जबकि इतना शानदार प्लेयर होने की वजह से। Why? Just because of that, दुनिया चाहती है, दुनिया उसी को सलाम करती है, कहते ना उगते सूरज को सलाम करती है, और जिसकी परफॉर्मेंस कंटिन्यूटी में बनी है बस वही, कहते ना जंगल में अपना अस्तित्व बनाए रखना है ना,
तो लड़ना तो पड़ेगा, संघर्ष, जंगल में वही बचा रहेगा जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा। डार्विन ने कहा था बहुत प्यारी सी बात, और वही बात आज की इस कॉम्पिटिटिव युग में, इस कॉम्पिटिशन की एज में, इतने बहुत ज्यादा कितने बिल्कुल इतने ज्यादा कॉम्पिटिशन वाली एज में अगर आपको अपने आप को अस्तित्व बनाए रखना है, आगे जाकर जॉब्स, ये बहुत सारी चीजें अगर आपको लाइफ की हर एक स्किल, मैं जॉब के सेंस में भी नहीं बोल रहा, लाइफ में अपना अपना एक एग्जिस्टेंस अस्तित्व बनाए रखना है ना, तो बहुत जरूरी होगा आपको अपने आप को परफेक्ट बनाना है। ठीक है, चलिए परफेक्ट बनाने के लिए हम लोग बात करेंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इंटरेस्टिंग वोकैब, देखो मीनिंग सब लोग सीखते हैं, मीनिंग आपको आते नहीं कि मीनिंग सबको आते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड में उनको क्या बोलना है। ठीक है, स्टैंडर्ड में हम लोग क्या यूज करें, कैसे यूज करें, यूफेमिज्म, बहुत सारी चीजें होती हैं, उन सब के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। ठीक है, हाँ राइट, ओके सर, पेड कोर्स होगा सर? जी डेफिनेटली पेड कोर्स होगा, लेकिन इतना भी ज्यादा हाई पे नहीं रहेगा, और अभी तो पेमेंट की दिमाग में नहीं लाए, अभी तो केवल 5 दिन का डेमो आप लोगों के लिए फ्री है, आप उस चीज को एंजॉय करो, लाइफ को एंजॉय करो, बहुत इतना बर्डन मत लिया करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतना सोचोगे तो जियोगे कब यार, है ना, टेंशन मत लो। यस सर यू आर राइट सर, डेली क्लास इसी टाइम पर होगी, या डेफिनेटली द क्लास विल बी हेल्ड ऑन 7:30, आज तो थोड़ा सा मैं खुद लेट हूँ। हाँ, स्लैंग्स क्या होते हैं सर? इंटरेस्टिंग वोकैब जो मैंने बोला जो यूज होती है, आपको पता है एक इंग्लिश बोलने के लिए केवल 1000 वर्ड्स की अच्छी अच्छी स्टैंडर्ड वोकैब होना, 1000 वर्ड्स में आप पूरी इंग्लिश बोल सकते हो, बस वो स्टैंडर्ड वाले वर्ड्स आपको पता होना चाहिए। ओनली 1000 वर्ड्स आर इनफ टू स्पीक इंग्लिश, ये नहीं कह रहा कि उसमें अंग्रेज बन जाओगे आप लोग, लेकिन हाँ आप मैनेज कर सकते हो कहीं भी जाके किसी भी तरीके से। स्लैंग्स क्या होते हैं सर? स्लैंग्स होते हैं आजकल जो चल रहा है, आजकल जो चल रहा है वो सब चीजें हमें पता होना चाहिए। जैसे कॉमन सा वर्ड हम लोग कई बार सुनते हैं, मैं स्टूडेंट्स को भी बताता रहता हूँ, गोचा, कौन सा वर्ड बताता रहता हूँ, गोचा। गोचा क्या होता है? गोचा होता क्या है? मैंने आपसे पूछा कि आपको समझ में आ गया, तो आप, मैं पूछूंगा हैव यू गॉट इट, क्या आगा? हैव यू गॉट इट, तो आपने कहा हाँ सर मुझे समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया, तो इंग्लिश में बोलेगा आई हैव गॉट इट, मुझे समझ में आ गया, आई हैव गॉट इट, एक इतना लंबा चौड़ा नहीं बोलना, छोड़ो गोचा, बस हो गया काम। हाँ तो गोचा काम हो गया, आपको इतना लंबा छोड़ा बोलना ही नहीं था। ठीक है, और क्या सर? बहुत सारे स्लैंग्स होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज, आजकल शुड हैव नहीं बोला जाता, शुड हैव को बोला जाता शुडा, कुड हैव को बोला जाता कुडा, ये सारी चीजें मैं जस्ट 2 मिनट बाद बताने वाला हूँ, पूरी की पूरी लिस्ट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, वो स्टैंडर्ड सारी चीजें। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन मैटर अ लॉट, प्रोनाउंसिएशन बहुत, कई लोग इसको भी गलत पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं प्रोनाउंसिएशन, इट्स नॉट प्रोनाउंसिएशन, इट्स प्रोनाउंसिएशन, क्या पढ़ा जाता है? प्रोनाउंसिएशन। अच्छा, जनरल लैंग्वेज के वर्ड्स हम लोग जो यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आप वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन? तो आप कहोगे सर वेजिटेरियन। ठीक है, वेजिटेरियन में आप क्या खाते हो? हम लोग सब्जियां खाते हैं, सब्जियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? सब्जियों को इंग्लिश में बोलते हैं सर, डर लगता है इंग्लिश से, सिंपल स्टडी, ओके। हाँ, इंग्लिश का डर ही तो निकालना है, ठीक है, डर के आगे जीत है, चिंता मत करो। हाँ, जिन जिन लोगों को डर लगता है टेंशन नहीं है, आपके साथ मनीष सर है, डोंट बी फियर, मनीष सर इज हियर। हाँ, तो मैंने आपसे कहा क्या प्रोनाउंसिएशन कैसे मैटर करता है, मैं आपको बताऊँ, वेजिटेबल जो हम आज तक बोलते आ रहे हैं, इट्स नॉट वेजिटेबल, इट्स वेजिटेबल्स, सभी लोग बोले क्या बोलेंगे? एज्मा। मेरे साथ बोलते जाए क्या बोलेंगे? एज्मा। दिस इज अ रियल प्रोनाउंसिएशन, दिस इज अ रियल एजुकेशन, इट्स नॉट एजुकेशन, it's education, it's not education, it's education, आज के टाइम पे education पढ़ा जाता है। ये pronunciation अगर आपने अपने आप से apply नहीं किए, और अगर उनको अपने आप से revert नहीं किए, अपने आप से बोलने की कोशिश नहीं की, तो जब आप बाहर निकलोगे ना, अभी तो ग्वालियर जैसे कुएं में रह रहे हो आप, जैसे ही बाहर निकलोगे ना मेट्रो सिटीज में, बहुत बेइज्जती होती है यार, बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है। हम अपने सपनों को साकार करने के लिए जाते तो है मेट्रो सिटीज में, लेकिन वहां पे हमारी खूब बेइज्जती होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रोनाउंसिएशन, इन प्रोनाउंसिएशन के लिए। हम बोल रहे हैं प्रोनाउंसिएशन, वो बोल रहे हैं प्रोनाउंसिएशन, हम बोल रहे हैं वेजिटेबल, वो बोल रहे हैं वेजिटेबल्स। ठीक है, बहुत मैटर करता है ये सब चीजें, ठीक है, और वो स्टैंडर्ड, वो स्टेटस आपका जरूरी है सेट होना, वो सारी स्टेटस की चीजें आपकी स्लैंग्स में आएंगी, इंटरेस्टिंग वोकैब में आएंगी, प्रोनाउंसिएशन में आएंगी,
स्पेशल इडियम्स, कुछ ऐसे इडियम्स रहेंगे जो हमको यूज करने रहते हैं। सर इडियम्स क्या होते हैं? कहावत है, मुहावरे। आप सोचते हैं क्रिकेटर्स वगैरह सेलिब्रिटीज आलिया भट्ट इतनी पढ़ी लिखी थोड़ी ना है ना, क्रिकेटर्स बहुत सारे ऐसे हैं इतने पढ़े लिखे थोड़ी ना, 10-12 पास आउट है ठीक है, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी इंग्लिश क्यों बोल देते हैं? उनको मालूम है किस सिचुएशन में मेरे को कौन सा idiom यूज करना है, उन्हें पता है किस सिचुएशन में मेरे को कौन सा कॉन्ट्रेक्शन यूज करना है। बस वही सारी चीजें जो है अगर हम लोग यूज करने लगेंगे ना, हम उन्हीं की तरह हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हम उन्हीं की तरह हो जाएंगे। तो याद रखना, हम लोग अगर उनकी तरह होना है आपको, उन्हीं की तरह बिल्कुल बढ़िया तरीके से, हाँ विनोद चलिए, तो ऐसी चीजें जो ट्रेंड्स में चलती है ना वो जरूरी है बेटा आप लोगों के लिए, ठीक है? नहीं तो हम लोगों की बेइज्जती होती रहती है। आज तक हम लोग बहुत सारी, क्या होता है कई लोग है ना व्हाट्सएप पे लिख के चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता ये लिखा क्या है। हम इसको पढ़ रहे होते हैं सियाओ, हम इसे पढ़ रहे होते हैं सियाओ, जबकि फ्रेंच वर्ड में गुड बाय बोलते हैं चाओ। क्या बोलते हैं? चाओ। फ्रेंच लैंग्वेज में हम गुड बाय को क्या बोलते हैं? सर कुछ वर्ड पहली बार सुन रहा हूँ आपकी क्लास में। जी 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 बिल्कुल, अभी तो मैंने, अभी मैं आज की क्लास में पढ़ाने नहीं आया हूँ, अभी मैं केवल जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। बिल्कुल अच्छा लगा आपने इतना अच्छा कहा, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अभी तो बहुत सारी चीजें खोलना बाकी है अभी। हाँ, तो इट्स नॉट सियाओ, इट्स चाओ। गुड बाय में फ्रेंच लैंग्वेज में गुड बाय को बोलते हैं चाओ। जापानीज में बोलते हैं सायोनारा। क्या बोलते हैं? सायोनारा। स्पेनिश में बोलते हैं, ठीक है? और एक और वर्ड बोलते हैं स्पेनिश में एडियोस। क्या बोलते हैं? एडियोस, ठीक है? ये वर्ड्स गुड बाय के बहुत सारे वर्ड्स हैं। आपको ज्यादा कुछ नहीं जाना, मनीष द क्लासेस जिस यूट्यूब चैनल पे आप पढ़ रहे हो उसी यूट्यूब चैनल पे चेक करना, गुड बाय कहने के बहुत सारे स्टैंडर्ड तरीके। हम बर्थडे विश करते हैं लोगों को किस किस स्टैंडर्ड पे, कैसे कैसे विश करते हैं। हम लोग बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, हो गया बर्थडे विश, यार कहां बच्चे यूज कर रहे हो। फिर हम बोलते हैं विश यू मेनी मेनी ड्रग्स ऑफ द डे, हटाओ यार, बहुत बहुत गजब वाली चीजें यूज करनी हम लोगों को यार। माय हार्टली फेलिसिटेशन टू यू ऑन द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ योर बर्थडे, लगता है कि किसी ने विश किया है। It deemed me a great pleasure to wish you on the auspicious occasion of your birthday. ऐसा wish अगर हम किसी को wish करते हैं या message करते हैं तो सामने वाला का दिल खुश हो जाता है। दिन भर में 500 wishes आएंगी लेकिन 500 में से एक याद तुम्हारी वाली रहेगी। वही चीज, वही यूनिक पर्सनैलिटी बनाने के लिए हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, ना पैसा कमाने के लिए ना किसी और चीज के लिए। हर चीज में जरूरी है तो इंग्लिश है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हर चीज में जरूरी है। जॉब पानी है तो इंग्लिश चाहिए, कॉलेज लेना है तो इंग्लिश चाहिए, अपने आप को दिखाना है कि मैं आई एम समथिंग, आई एम एवरीथिंग, सो यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, ठीक है? पैसा कोई कितना भी कमा ले लेकिन वो जो स्टैंडर्ड्स मैनर्स एटिकेट्स जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं? इंग्लिश से आते हैं, ठीक है? तो इंग्लिश आपके लिए बहुत जरूरी सी है। फोन की कमेंट, कमेंट, हाँ कमेंट से वर्ड याद आया, तो इट्स नॉट कमेंट, इट्स कमेंट। क्या पढ़ा जाता है? कमेंट। सर बर्थडे विश करने के लिए वर्ड्स बताइए पहले। हाँ, बर्थडे विश करने वाले मैं, उसके प्रॉपर सेशंस होंगे। अगर आप शॉपिंग पे जाते हैं आपको कैसा बिहेव करना है, आप किसी होटल में जाते हैं, इट्स नॉट होटल, इट्स ओचेआव। क्या पढ़ा जाता है? ओचेआव। इट्स नॉट रेस्टोरेंट, इट्स रेस्टोरेंट। क्या पढ़ा जाता है? रेस्टोरेंट। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी ओचेआव में जाते हैं, तो वहां पे जब आप जाओगे तो वहां पे किस चीज को क्या बोला जाता है? बहुत सारी चीजें जरूरी है यार। दिस इज कॉल्ड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जाते हैं, और वहां पे प्लेट्स इस तरीके से रखी हुई है, और आप जाकर गलती से बैठ मत जाना। अगर ऐसे ऐसे प्लेट रखी हुई है तो आप जाकर बैठ मत जाना। इट मीन्स क्या है कि अगर प्लेट्स में फॉक और स्पून इस तरीके से रखा है, इट मीन्स इस समय रेस्टोरेंट कैसा है? क्लोज्ड है। या तो ये साइन क्लोज्ड का होगा या फिर रिजर्व्ड का होगा कि टेबल रिजर्व्ड है, आप जाके मत बैठना, नहीं तो आपकी क्या होगी? बेइज्जती होगी, आप उठा दिया जाएगा, आपको उस जगह जाके नहीं बैठना है। आपको कब बैठना है कि उसी टेबल पे अगर इस तरीके से एक स्पून, इस तरीके से एक फॉक रखा हुआ है, तो इसका मतलब है रेस्टोरेंट अभी ओपनड है, या फिर वो जो टेबल है वो कैसी है? अनरिजर्व्ड है। अब आप वहां जाकर क्या कर सकते हो? बैठ सकते हो, ठीक है? जल्दी जल्दी स्पेलिंग माइंड मत करना कभी, ठीक है? हाँ, अनरिजर्व्ड है तो यहाँ पर आप बैठ सकते हो। दिस इज द वे, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ऐसे बहुत सारे सेशन हम लोग रखने वाले हैं, ठीक है? बहुत सारे, हाँ, ओचेआव मैनर्स जो होते हैं वो मैनर्स, एटिकेट्स, कैसे खाना है, क्या करना है, कि चम्मच पकड़ने का स्टाइल क्या होता है, इन सबको इंग्लिश में ग्रूमिंग क्लासेस बोलते हैं। और ये अलग से क्लासेस होती है, कई लोग जो होते हैं इतना सब कुछ कैसे सोसाइटी में बिहेव करना है, कैसे क्या करना है, हर एक चीज होती है, वो ग्रूमिंग क्लासेस होती है, उसके भी लोग 5-5, 10-10, 15-15 हजार, 20-20 हजार रुपए देते हैं मेट्रो सिटीज में।
मैं आपको वैसे ही सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। पर्सनैलिटी के लिए बिल्कुल रूम, एक बहुत छोटी सी बात है कि चम्मच कैसे पकड़ना है, सबको पकड़ पाता है, कोई ऐसे पकड़ लेगा, चम्मच पकड़ने का तरीका जो होगा वो क्या होगा, कैसा होगा, कैसे पकड़ना है, सारी चीजें आपको पता पड़ेंगी मनीषर क्लासेस में, ठीक है। लास्ट इज कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं आप उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जी सर, काफी परेशानी होती है इंटरव्यू में इंग्लिश में। हाँ, इंटरव्यू के लिए मैं आपसे बोल तो रहा हूँ, इंटरव्यू के लिए सारी प्रिपरेशन मैं कराऊंगा आपको, ये सारी चीजें हमारी रहेंगी। सर ये सब चीजें याद कैसे होगी, मैं पहले फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगा, हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, फिर सेशन बना होगा, फिर इसकी आंसर शीट्स वगैरह मैं पूरे चेक करवाऊंगा। दूसरी चीज इसके अलावा क्या रहेगा, इनके बेसिस पे हम लोग स्टोरीज बनाएंगे। मैं बहुत मोनोटोनस तरीके से वो नहीं पढ़ाऊंगा, पहले के टीचर्स पढ़ाते थे रजिस्टर भरवा देते राम गाता सीता खाते, मैं पढ़ाऊंगा कैसे, इन द सेंस उन कई कभी कभी इच्छा हुई तो मूवी स्टोरीज बना दी, मूवी की स्टोरी, कभी मन किया तो हम लोगों ने क्या कर दिया, क्या नाम था, गाने पूरे इंग्लिश में कन्वर्ट कर डाले, गाने के गाने, कभी मन किया शायरियां लिख डाली, ठीक है। ये ऐसी चीजें आजकल मैं कह रहा हूँ इंग्लिश में डायलॉग्स चल रहे हैं, वो एक डायलॉग सुना है हम लोगों ने, माई ओन रॉब्ड मी नो अदर हैड करेज, माई ओन रॉब्ड मी नो अदर हैड करेज, माई बोट वॉज sunk where the water was less, मतलब समझे, एक डायलॉग है इंग्लिश में, और हिंदी में इसका डायलॉग का मतलब होता है हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, और हमारी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। तो ये सारे डायलॉग्स हमारे इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं, वो सारी अवेलेबिलिटी आपको कहां मिलेगी मनीष, हम लोग मतलब मैं अपनी क्लासेस में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए ये कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह खत्म होते हैं, अब चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सर हम लोग ये कॉन्ट्रैक्शंस जो आपने बताए हैं, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस यू आर टॉकिंग अबाउट, सो जस्ट फर्स्ट टेल अस व्हाट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस यू आर टॉकिंग अबाउट। ओके, लेट्स हैव अ लुक ऑन द बोर्ड। कॉन्ट्रैक्शंस मीन्स होता है कि अगर आप वर्ड्स को जितना फिजिबली, जितना तरीके से, जितना नॉर्मल लेवल में याद कर सके, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे आज तक हम लोग बोलते हैं यू आर माई फ्रेंड, क्या बोलते हैं, यू आर माई फ्रेंड, इट्स नॉट यू आर या, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, ठीक है। ही इज माई कजिन, इट्स नॉट ही इज माई कजिन, ही इज, क्या बोलेंगे, ही इज माई कजिन, क्या बोला जाएगा, ही इज माई कजिन, ठीक है। तो दिस इज सर 2020 की स्टाइल में पढ़ाएंगे, पढ़ेंगे, हाँ कोरोना वाली है, चलो आ जाओ। व्हाट इज, इट्स नॉट व्हाट इज, व्हाट इज द मैटर यार, व्हाट इज द मैटर, व्हाट, कई लोग तो व्हाट भी नहीं पढ़ते, इट्स बट, बट, बट नहीं, इट्स व्हाट। जब तक डब्ल्यू के लिए आप लिप्स को रोल नहीं करोगे तब तक डब्ल्यू का सही प्रोनाउंसिएशन नहीं आएगा। आप फ्लैट लिप्स से बोल के देखो व्हाट नहीं निकलेगा, इट्स व्हाट, क्या पढ़ेंगे, व्हाट। इट्स नॉट वॉटर, अगर मैंने सिंपल बोला वॉटर निकल रहा है, इट्स वॉटर, क्या पढ़ेंगे, वॉटर, क्या पढ़ेंगे, वॉटर। तो वॉटर, वॉटर, तो यहाँ पर कब प्रोनाउंसिएशन, जब जब डब्ल्यू मिलेगा तो डब्ल्यू में लिप्स को रोल करना जरूरी है। ये जब कई लोग सोचते हैं ना कि सर प्रोनाउंसिएशन कैसे सुधारे, क्या रहे, उसकी प्रॉपर आपको ट्रेनिंग मिलेगी, प्रॉपर क्लास में आपको देने वाला हूँ, जिसमें मैंने आपको बोला ना डब्ल्यू को रोल करते हैं, हर एक वर्ड्स कहाँ कैसी लिप्स रोल होनी है। इवन जब मैं ट्रेनिंग देता था तब तो पेन पेन वगैरह भी रहते हैं हम लोग से, उसको बीच में कहते कई बार ऐसा कहा जाता है लिप्स ऐसे रोल करो तब ये प्रोनाउंसिएशन निकलेगा, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। इट्स व्हाट इज, इट्स नॉट व्हाट इज, इट्स व्हाट्स, व्हाट्स द मैटर, क्या बोलेंगे, व्हाट्स द मैटर। एक तरफ सोचो व्हाट इज द मैटर और एक तरफ निकल रहा व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर, तब तो लग रहा है ना यार हाँ हम वही इंग्लिश बोलने आ रहे हैं, ठीक है। Who is नहीं, who's, who is on the door, no, who's on the door, क्या बोलेंगे, who's on the door, is not, isn't, क्या पढ़ेंगे, isn't, is not, he is not there, मजा नहीं आया, he isn't there, isn't, are not, aren't, और is, am, are plus not अगर बोलते हैं तो अमेरिकन लैंग्वेज में इसको ain't बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ain't। अगर आप इंग्लिश मूवीज देखते हो, हॉलीवुड मूवीज देखते हो, न्यूज वगैरह सुनते हो, तो वहां पे इन सब इंटरजेक्शन, वो इन सब कॉन्ट्रैक्शंस को यूज किया जाता है, ain't word यूज किया जाता है। मैंने कहा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो हम बोल सकते हैं आई ain't इंटरेस्टेड, क्या बोलेंगे, आई ain't इंटरेस्टेड। मैंने कहा शी इज नॉट कमिंग, वो नहीं आ रही है, तो शी इज नॉट कमिंग नहीं बोला जाएगा, शी ain't कमिंग, क्या बोला जाएगा, शी ain't कमिंग। आज के बाद ऐसे जब दोस्तों से व्हाट्सएप पे चैट करो, जब किसी खास व्यक्ति को मैसेज करो, तो थोड़े ऐसे वर्ड्स बोलना, लगे कि सामने वाले में कुछ वजनदारी है, लगे कि सामने वाला थोड़ा सा नॉलेजेबल पर्सन है, ठीक है।
आई विल को तो आई बोलते हैं, सभी को पता है. दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रेक्शंस. ये मैंने केवल आपको डेमो दिया है कि कॉन्ट्रेक्शंस ऐसे होते हैं. ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रेक्शन, 100 से ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन मैं आपको कराने वाला हूँ अपनी इस स्पीकिंग क्लास में. सर और कौन सा कराओगे? थोड़ा सा एक डेमो और दे दो. चलो और क्या करना है आप बताओ मेरे को. प्रोनाउंसिएशन कर ले, आ जाओ. बस क्लास खत्म होती है ना? क्लास विद इन 5 मिनट्स. अब मैंने लेट शुरू की तो लेट ही खत्म करूंगा, है ना? आज थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन. सर कितने बजे तक होगी क्लास? शिवानी को भूख लगी है, कोई दिक्कत नहीं शिवानी, अभी बताता हूँ. सर वो समझ नहीं पाएंगे. हाँ दीपक गौतम, हाँ आज ही चैंपियंस. हियर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रोनाउंसिएशन. प्रोनाउंसिएशन किस वर्ड को क्या पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है? देखो आज तक आप लोग हमेशा हमेशा एक वर्ड यूज करते आए, बताओ कौन सा? वेडनेसडे. कौन सा वर्ड यूज करते आए हम लोग? वेडनेसडे. आज तक जो वर्ड आपने वेडनेसडे पढ़ा है उसको वेडनेसडे कभी नहीं पढ़ा जाता. इट्स वेंसडे. क्या पढ़ा जाता है? वेंसडे. एक बार मेरे साथ बोले सभी लोग, क्या बोलेंगे? वेंसडे. सभी लोग बोले क्या बोलेंगे? मिस्टर विलियम सर नमस्ते. ओके हाँ इट्स वेंसडे, है ना? मैंने कहा इट्स नॉट वेडनेसडे, इट्स वेंसडे. क्या बोलेंगे? इट्स वेंसडे. हाँ दिस इज लेवल, दिस इज द लेवल ऑफ इंग्लिश. यही लेवल से इंग्लिश बोलनी है, यही लेवल से इंग्लिश सीखनी है. इतना एडवांस कई लोग सोच रहे हैं कि बहुत एडवांस लग रहा है सर. एडवांस है, जरूरी है एडवांसमेंट की. क्या अभी तक वही चीज सीखते रहोगे क्या? वो समझ लो ना राम गाता है वाला, है ना? वो चीज नहीं सीखनी यार, है ना? अब थोड़ा सा एडवांस बनना है, लेकिन एडवांस के साथ साथ फॉर्मलिस भी मैं कराऊंगा. पूरा पूरा मेरा अटेंशन रहेगा. एक पर्टिकुलर हम लोग ग्रुप मेंटेन करेंगे. जिस भी पर्सन को अगर प्रॉब्लम होती है कि सर इसका क्या आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो पूरा पूरा ग्रुप जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे उन सबका एक प्रॉपर ग्रुप होगा. जिसको भी कोई डाउट लगता है ग्रुप में क्वेश्चन डालो, उसका आंसर आपको मिल जाएगा. दैट्स इट. अगर किसी को लगता है कि सर हम लोग क्वेश्चन बनाए, सेंटेंस बनाए, चेक कौन करेगा? ठीक है, व्हाट्सएप कर दीजिए फोटो खींच के, ठीक है, या फिर ग्रुप पे डाल दीजिए, चेक होके आपको मिल जाएगा. ठीक है, जो भी उसका सोल्यूशन होगा, जो भी होगा, सारी चीजें ग्रुप में मिलती जाएंगी. प्लस यहाँ पे भी मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा सब चीज बता दूँ. अब जैसे मैंने कहा यार कंफर्टेबल, जो एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग कंफर्टेबल, इट्स नॉट कंफर्टेबल. क्या बोलते हैं इसको? कंफर्टेबल नहीं बोलते. हाँ पहली बार सुना है कीर्ति तोमर जी, पहली बार. दिस इज द क्लास ऑफ मनीष सर, तभी तो आपने पहली बार सुना है. विपिन हियर, ओके मिस्टर विलियन, विलियन हाँ. दोस्त बोलेंगे इंग्लिश मन कहाँ से आ गया, इंग्लिश मैन कहाँ से आ गया. देखो दोस्तों की अगर सोचोगे ना कि दोस्त वगैरह की सोच के चलोगे तो दोस्त कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे. जैसे आप इंग्लिश कुछ अच्छी बोलोगे ना, ज्यादा अंग्रेज मत बन, ज्यादा नेता मत बन, ऐसे वर्ड सुनने को मिलेंगे. मेरे को भी मानो, मेरे को भी सुनने को मिले. लेकिन अगर उनकी सोच के अगर आप बैठे रहे तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे. दोस्त सीधी बात, दुनिया का काम है कहना वो कहेगी, तुम्हारा काम है करना वो करो. ठीक है, दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या सोचती है, वो भी तुम सोचोगे तो तुम क्या करोगे? उनका काम है करने दो, आप अपना काम करो. आ जाओ. इट्स नॉट होटल, इट्स नॉट कंफर्टेबल, इट्स कंफर्टेबल. क्या बोलेंगे? कंफर्टेबल. आज की बात क्या बोलेंगे? कंफर्टेबल. अनकंफर्टेबल यहाँ, अनकंफर्टेबल हियर. इट्स नॉट होटल, इट्स उचेयर. क्या पढ़ा जाता है? उचेयर. इट्स नॉट लॉन्ग. है हम लोगों ने देखा होगा पार्टीज वगैरह के लिए, डिस्को वगैरह में जाते हैं, ब्लू लॉन्ग बोलते हैं हम लोग, ग्वालियर में बना हुआ है. इट्स नॉट लॉन्ग यार, इट्स लॉन्च. क्या बोलते हैं? लॉन्च. ब्लू लॉन्च. क्या बोलेंगे? ब्लू लॉन्च. मेरा बर्थडे आ रहा है, मैंने आप सबको पार्टी में इनवाइट किया. सर कहाँ बुलाया है? मैंने कहा आई एम जस्ट इनवाइटिंग टू यू ऑन ब्लू लॉन्च. ब्लू लॉन्च, इट्स नॉट लॉन्ग लॉन्च. कई बार रेस्टोरेंट में मैंने देखा है कई ऐसे पर्सन होते हैं, वो सर सोचते हैं उन्हीं पर्सन है के बारे में जो लोग स्पेशल होते हैं. हाँ डेफिनेटली लोग उन्हीं के बारे में सोचते हैं जो स्पेशल होते हैं. अरे वाह कमेंट भी आ गया 15 अक्टूबर. याद है आप सबको. थैंक यू सो मच. चलिए हाँ चलिए. इट्स नॉट, कई लोग इसको क्या पढ़ते हैं मालूम है? मीनू. रेस्टोरेंट मैंने कई बार कई लोगों को देखा है, भैया मीनू ले आना, मीनू को ले आना. यार मीनू लड़की का नाम होता है, मीनू को नहीं लेके आएगा वो. इट्स नॉट मीनू, इट्स मैन यू. क्या पढ़ते हैं? मैन यू. मैन यू, मैन यू. अगर नहीं पढ़ पाए तो प्रोनाउंसिएशन सामने लिखा हुआ है. इट्स मैन यू, इट्स मैन यू. इट्स नॉट मीनू, मीनू है ना, इट्स मैन यू. शुरुआत में खाना ऑर्डर करने से पहले हम लोग जो ऑर्डर करते हैं ना सूप वगैरह, उसको हम इंग्लिश में स्टार्टर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्टार्टर. कई लोग इसको स्टार्टर पढ़ते हैं. स्टार्टर नहीं, इट्स स्टार्टर. क्या पढ़ते हैं? स्टार्टर. क्या पढ़ा जाएगा? स्टार्टर. आपको बताया था रक की जगह आ का साउंड आता है. इट्स नॉट मोजीटो, इट्स मोहितो. क्या पढ़ा जाता है? मोहितो.
आप अगर कहीं पार्टीज में जाएंगे और कॉकटेल पार्टी है, कॉकटेल मॉकटेल पार्टी है, तो मॉकटेल पार्टी, कॉकटेल मॉकटेल में अंतर समझ लेना। कॉकटेल मीन्स होता है ड्रिंकिंग की पार्टी, जिसमें कि हार्ड ड्रिंक्स रहती हैं, और ये मॉकटेल होता है, तो मॉकटेल मीन्स सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा, सारी पार्टीज में कैसे बिहेव करना है, कैसे कहां क्या बिहेव करना है, वो सब जल्दी से देख लिए। ऑनियन, इट्स नॉट ऑनियन, इट्स अनियन, क्या पढ़ा जाता है, अनियन। इट्स नॉट वेजिटेबल, इट्स वेज टिबो, क्या पढ़ा जाता है, वेज टिबो। ईटीसी, ईटीसी वर्ड आपने सुना होगा, कई लोग बोलते हैं एक्सेट्रा, कई लोग पढ़ते हैं एक्सेट्रा, इट्स नॉट एक्सेट्रा, इट्स एक्सेट्रा, क्या पढ़ा जाता है, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। इट्स अ लैटिन वर्ड, डिफरेंट वर्ड है, लैटिन या फ्रेंच वर्ड है, इट्स नॉट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज तो बहुत एंजॉय किया यार, बहुत एंजॉय किया यार, क्या कर रहे हो यार, एंजॉय नहीं होता, इट्स एंजॉय, क्या कहा जाता है, एंजॉय। आज तो बहुत ज्यादा एंजॉय किया, क्या किया, बहुत ज्यादा एंजॉय, इट्स नॉट एंजॉय, इट्स एंजॉय। उसका डिवोर्स हो गया, ठीक है, उसका डिवोर्स नहीं होगा, डिवोर्स, क्या पढ़ा जाता है, डिवोर्स। रिसीप्ट, आप कहते हैं ना कि सर हमने फीस सबमिट कर दिया, हमको रिसीप्ट चाहिए, आजकल रिसीप्ट नहीं पढ़ा जाता, इसका सही ट्रांसलेशन होता है रिसीट, क्या पढ़ा जाता है, रिसीट। इट्स नॉट कमेंट, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, इट्स नॉट कमेंट, इट्स कॉमेंट, क्या पढ़ा जाता है, कॉमेंट। सभी लोगों ने क्या बोलेंगे, कॉमेंट, ठीक है, वी आर गेटिंग सो मेनी कॉमेंट्स ओवर आवर क्लासरूम, ठीक है। सो गाइस, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि यही चीजें रहेंगी, आज मैं आपको मैजिक भी दिखाता एक। सर मैजिक क्या होता है, मैजिक की मीन्स होता है, जैसे मैंने आपसे कहा क्या, हाँ सर मैजिक क्या होता है, मैजिक का मतलब होता है, जैसे मैंने आपसे कहा एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रिक होती है, वो मैं आपको कल बताऊंगा मैजिक, ठीक है। सर यूफेमिज्म क्या होता है, यूफेमिज्म मतलब होता है जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं तो थोड़े से ऑकवर्ड लगते हैं, भद्दे से लगते हैं, तो हम क्यों ना उनकी जगह थोड़े से अच्छे वर्ड यूज करें। अगर मैं कहूंगा यू आर अ वेरी पुअर मैन, तुम बहुत गरीब व्यक्ति हो, यू आर अ पुअर मैन, तुम गरीब व्यक्ति हो, कितना कितना ऑड लग रहा है, कितना बेकार सा लग रहा है ना, पुअर हटाओ ना यार, उसकी जगह क्या बोलेंगे, ही इज अंडर प्रिविलेज्ड, यू आर अंडर प्रिविलेज्ड, चल जाता है, खुश हो जाएगा सामने वाला, कह जा रहा है, मैंने कह दिया ही इज अ पुअर मैन, वो गरीब व्यक्ति है, मजा नहीं आया, स्टैंडर्ड नहीं लगा, ही इज अंडर प्रिविलेज्ड पर्सन, अंडर प्रिविलेज्ड मतलब क्या हो गया, वो एक गरीब व्यक्ति है। नेक्स्ट इज गार्डनर, गार्डनर नहीं, मजा नहीं आया, लैंडस्केप टेक्नीशियन, दिस इज कॉल्ड यूफेमिज्म। ऐसे वर्ड्स जो हम लोग बोलते हैं और हमें बोलने में थोड़े ऑकवर्ड से लगते हैं, बेकार से लगते हैं, भद्दे से लगते हैं, थोड़ी खड़ी लैंग्वेज के वर्ड्स लगते हैं, क्यों ना उनको सुधारा जाए, क्यों ना उनको थोड़ा सा स्टैंडर्ड में बोला जाए। मैं टैक्स कलेक्टर की बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट टैक्स कलेक्टर, मतलब हो सकता है, बोल सकते हो, लेकिन उसकी जगह अगर अपन बोले रेवेन्यू एजेंट, अच्छा लग रहा है। अगर मैं कटिंग कराने जा रहा हूँ, मैं बार्बर के पास जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू अ बार्बर, बार्बर की जगह अगर मैं बोल देता हूँ हेयर स्टाइलिस्ट, थोड़ा अच्छा लगा। मैं कहता हूँ यार मैंने एक पुरानी कार खरीदी, आई हैव परचेस्ड अ यूज्ड कार, पुरानी कार को इंग्लिश में बोलते हैं यूज्ड कार, मजा नहीं आया, फीलिंग नहीं आया, हम बोलेंगे आई हैव परचेस्ड अ प्री ओल्ड कार, क्या बोलेंगे, प्री ओल्ड कार, प्री ओल्ड कार मतलब क्या हो गया, पुरानी सी कार, ठीक है, लेकिन लगा नया नया सा, भले कार पुरानी थी, फीलिंग नहीं आ गई हमको, है ना। तो आज की बात ये नहीं बोलेंगे कि पुरानी कार खरीदे, आई हैव बॉट अ प्री ओन्ड कार, क्या बोलेंगे, प्री ओन्ड कार, मैंने पुराना मोबाइल खरीदा, आई हैव यूज्ड, आई हैव बॉट अ यूज्ड मोबाइल, आई हैव बॉट अ प्री ओन्ड मोबाइल, तब तो मजा आएगा, तब तो चीजें लगेंगी। रेप वर्ड थोड़ा सा, रेप थोड़ा गलत लगता है, ठीक है, अगर कोई पर्सन किसी के साथ ऐसा गुजरा और वो ऐसा बोलेगा आई वॉज रेप्ड, थोड़ा सा उसको ऑकवर्ड लगे। Sexual assault, this is the standard. I am going for toilet. बच्चे थोड़ी ना है कि may I go to toilet, है ना? उसकी जगह हम लोग बोल सकते हैं comfort station. क्या बोल सकते हैं? Comfort station. ठीक है? पूरी public meeting चल रही है, तुम एकदम से उठ के कहो sir I am going. सर ने भी जान पूछ कर पूछा भाई क्या क्यों कहाँ जाना है तुम्हें? तब फिर क्या कहोगे? Toilet. थोड़ा मजा नहीं आएगा ना? Sir I am going for a comfort station. या फिर इसको और बोल सकते हैं और स्टैंडर्ड में बोलना है तो आई एम गोइंग फॉर अ नेचुरल कॉल, क्या बोलते हैं, नेचुरल कॉल, नेचुरल कॉल का मतलब ये होता है टॉयलेट जाना, ठीक है। तो लगा कि हाँ यार मजा आया, क्योंकि इंग्लिश बोलने में भी बेकार नहीं लगी। लेबेट्री, अमेरिकन लैंग्वेज में इसको लेबेट्री बोला जाता है, अमेरिकन इंग्लिश में इसको लेबेट्री बोला जाता है। यार वो बहुत मोटा हो गया, उसके पापा बहुत मोटे हैं, ही इज फैट, फैट अच्छा नहीं लग रहा यार,
हीसफुल फिगर, क्या बोलेंगे, हीसफुल फिगर, वो मोटा है, वो मोटी है, शी इज फैट नहीं, शी इज फुल फिगर, इट मींस क्या हो गया, वो मोटी है। ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड क्या होता है बेटा, ग्रेवयार्ड मतलब होता है कब्रिस्तान, मजा नहीं आया। मेमोरियल पार्क, क्या बोलेंगे, मेमोरियल पार्क। नेक्स्ट इज फायर्ड, तो मैं नौकरी से निकाला जाता है, यू आर फायर्ड, मजा नहीं आया, उसको भी बेकार लगा, नहीं, letting you go, I'm letting you go, it means तुम अब जा सकते हो। अब मैंने क्या कहा, you are fired, आप जा सकते हो, कितना गंदा लग रहा है आप लोगों को इतना देर पढ़ने के बाद, अब आप क्या कहूंगा मैं आपसे, I'm letting you go, it means अब आप जा सकते हो, तो तरीके से सिस्टम से अच्छा लगा। तो बस मैंने आज की क्लास में ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं है, मैंने ज्यादा कुछ बोला नहीं है, आज केवल एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया, ये केवल हल्के हल्के से शब्द एक्सप्लेन किए बस आप लोगों को कि हम लोग क्लास में इस बार नया क्या लेके आए, जो आज तक आपने कभी नहीं देखा है वो सारी चीजें आपके लिए लेकर आए, जिसको स्क्रीनशॉट लेकर ले सकते हो, है ना, जो आज तक आपने नहीं पढ़ा, जो आज तक नहीं देखा वो आज आप देखोगे। बहुत सारे पर्सन्स हैं, कई लोग सोच रहे थे कि सर हम इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं, आप पर सीख चुके हैं, कहीं और सीख चुके हैं, अब हम क्या करें, कैसे क्या, तो बेटा जितना भी मतलब मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स उनसे एक बार कंसल्ट करना कि जब भी मैं कोई नया कोर्स को शुरू करता हूँ या जब भी मैं रिपीट भी करता हूँ ना, कोर्स रिन्यू भी करता हूँ, बैच रिन्यू करता हूँ, तो हर बार मेरी क्लास के अंदर 40-50% नई चीजें रहती हैं, क्योंकि जब तक इंसान अपडेट नहीं होगा, खासकर टीचर्स, जब तक अपडेटेड मटेरियल नहीं देंगे तो वो टीचर समझ रहे ना खत्म हो जाएंगे तुरंत। तो हम लोग फाइंड आउट करते रहते हैं, वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट न्यू एंड न्यू कोर्सेज, न्यू एंड न्यू क्वेश्चंस, न्यू एंड न्यू सिचुएशंस, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी इस क्लास में। अगर आप पहले भी पढ़ चुके होंगे तो आई जस्ट सजेस्ट यू टेक द 5 days डेमो, 5 दिन की डेमो में आपको समझ में आ जाएगा यार पिछला और इस बार का जो है उससे काफी ज्यादा एडवांस है। तो एडवांसमेंट की ही भेज ही रहे, और लैंग्वेज ऐसी चीज होती है कि लैंग्वेज को तो कहते हैं ना बिल्कुल जरूरत होती है प्रैक्टिस की, अगर प्रैक्टिस साथ में नहीं चलती रहे तो फिर वो चीज धीरे धीरे हम लोग भूलने लगते हैं। ठीक है, बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। सर मैं फर्स्ट टाइम अटेंड कर रही हूँ स्पीकिंग कोर्स, ओके अंजलि, डजंट मैटर, नए वाले भी हो या पुराने वाले हो दोनों के हिसाब से चलेगा, नए वाले जो होंगे उनके हिसाब से आप चिंता ना करें, आपको भी बिल्कुल बेसिक बेसिक कराएंगे। सर टुडे इज स्प्लेंडेड क्लास, सर आज की क्लास बहुत शानदार रही, ओके नाइस पीरियड सर, थैंक यू, ऑसम क्लास। हाँ एक बार कमेंट तो कर दो भैया कैसी लगी आज की क्लास, हाउ वाज द फर्स्ट क्लास ऑफ स्पीकिंग, आप सब जल्दी से कमेंट कर दो किसी। हाँ साक्षी ने कहा ऑसम क्लास, सौरभ नाइस पीरियड, थैंक यू सौरभ, टुडे इज स्प्लेंडेड क्लास, भावना थैंक यू, पृथ्वी सिंह चौहान ऑसम थैंक यू, शिवानी नाइस क्लास अच्छा था सर, अंजलि हाँ फैंटास्टिक, तृप्ति ओके, वैष्णवी इट वाज ऑसम, आज का सेशन ऑसम क्लास सर, एस्ट्रॉन्डिंग क्लास, हाँ ऐसे वर्ड यूज करो उनको, यूजेस में लेके आओगे ना तब मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा, ऑसम क्लास थैंक यू, ऑसम 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 मार्वेलस, ओके ओके ओके, हाँ मैं कमेंट कम लोगों के नहीं मतलब नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अच्छा तो इसी के साथ अब मैं आप सबसे क्या कहना चाहूंगा, गुड बाय कहना चाहूंगा, और आज के बाद हम सब में से कोई भी गुड बाय नहीं बोलेगा, फ्रेंच लैंग्वेज में बोलेंगे चाओ, क्या बोलेंगे चाओ, सभी लोग एक बार बोल रहे हैं, सभी लोग क्या बोलेंगे चाओ, या तो चाओ, या स्पेनिश में बोलना है तो हैस्टा ला विस्टा, हैस्टा ला विस्टा, एक बार और बोलने क्या बोलेंगे हैस्टा ला विस्टा, है ना, तो आज के बाद क्या बोलेंगे, या तो चाओ या हैस्टा ला विस्टा, ठीक है, और भी नए नए वर्ड्स के साथ मिलेंगे हम लोग करेक्ट 7:30 बजे कल की क्लास में, कल कोई लेट नहीं होगा, कल करेक्ट 7:30 बजे हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को मेरा नमस्कार, मनीष सर ठीक है, अपना बड़ा ख्याल रखना, चलिए आ जाइए। हेलो हाँ।